my team over here, Mrs. Vishakha Pawar. She is an ex-LMT satellite division head and she is my backbone for this program. And Mr. Prashant Pawar sir, he is a businessman. And my one of the younger fighter, warrior, darer, Shikha Singh. She is fighting with breast cancer. She is undergoing for chemo and radiation treatment. फिर भी वो आज हमारे पास यहाँ आई है. आप लोगों को उस हिम्मत का एक क्या बोलते हैं झलक या नमूना दिखाने के लिए कि कैंसर के पेशेंट घर में नहीं बैठते, वो सबको दुनिया घुमा सकते हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा ये सफर, फाइट अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर. I am Mrs. Vishakha Prashant Pawar. मैं LMT में सैटेलाइट सिस्टम पे 16 साल जॉब कर चुकी हूँ और उस वक्त पता चला कि देर इज सम गैप समवेयर वी नीड टू रियली वर्क. तो मैंने 17 साल अपने रूरल अर्बन और ट्राइबल एरियाज में अवेयरनेस के लिए बिताए. पीपल यूज टू लाफ व्हेन आई सेड अवेयरनेस. जब मैंने अवेयरनेस की बात की तो एवरीवन स्टार्टेड लाइक अवेयरनेस गपशप होती है क्या या तो मिलके बातचीत होती है क्या, तो उससे कुछ हल नहीं निकलता. एंड आई वाज सरप्राइज टू हियर फ्रॉम पीपल्स माउथ कि ऐसे कुछ नहीं होता. वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मेडिसिन. अगर देखा जाए कि डिजीज बोले तो वी हैव सो मच एडवांस टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है. बट राइट नाउ व्हाट वी आर फेसिंग एवरीवेयर, अर्बन है, रूरल है, ट्राइबल है, सभी जगह पे व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इज अ लाइफस्टाइल. एंड ये एक ऐसी चीज है अबाउट 250 कैंसर टाइप्स है, उसमें सबसे नॉमिनल जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर. एंड यू विल बी सरप्राइज, अभी तो हम 2023 में है बट द सिचुएशन ऑफ दैट कि 2030 तक देर विल बी अ ऑल्टरनेट हाउस मे बी हैविंग वन लेडी विद द ब्रेस्ट कैंसर और वन मैन विद द ब्रेस्ट कैंसर. दिस इज अ अलार्म और रेड अलर्ट ऑलरेडी गिवन बाई द medical conferences people. And why, where it starts, it actually starts with the happy hormones. और ये चीज हमारे पास अभी तक नहीं थी, वो कैसे आई और ये बढ़ती जा रही है, तो उसको रोकना, we need to really change that situation. और जो situation में हम जाएंगे तो वहां पर थोड़ा control करना हमारी जरूरत है. Jeff Bezos नाम सुना है? Anyone knows name Jeff Bezos? अरे वाह, वेरी गुड, इनके लिए तालियां होनी चाहिए. इस बंदे को बहुत सारे लोग नहीं जानते. अबाउट इन अ क्राउड आई थिंक 2-3 हैंड्स रेज्ड अप फॉर दी जेफ बेजोस. ये चेहरा भी किसने नहीं देखा, बट वी हैव गॉट अ मैन डिलीवरी चूड़ी भी हमारे यहां तक पहुंचाता है, सिटिंग इन यूएस, यूके एंड यूरोप. इट्स अ पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अ पावर ऑफ इंफॉर्मेशन. आप सब बिलीव करते हो? उसके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, नो मैन पावर, नथिंग. इट्स जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट्स जस्ट द इंफॉर्मेशन सिस्टम. एंड ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल ही वॉन्ट्स टू गो एज अ गुरु ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. सो ही हैज स्टार्टेड विद द कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड अ मेनी अदर थिंग्स एज अ 7-star स्टैंडर्ड. ये आप तक पहुंचाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन. जब मैंने अवेयरनेस का सेशन लेना शुरू कर दिया, कॉर्पोरेट्स है, एवरी वन दे यूज टू रियली, अब क्या कर लोगे अवेयरनेस से? अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन बाय कम्युनिकेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन बाय मीटिंग ईच अदर. तो हमने ये सेशन जब शुरू किया तो लोग हंसे, लेकिन व्हेन द रिजल्ट केम इट रियली रीच्ड अ लॉट.
आज अगर ये आदमी रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, कैन इज इट पॉसिबल टू चेंज दैट सीन विच इज मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, से 2030 इज अलाउड फॉर द ब्रेस्ट कैंसर? हम कर सकते हैं बाय अवेयरनेस, बाय स्प्रेडिंग द वर्ड, बाय हेल्पिंग ईच अदर, बाय टॉकिंग टू ईच अदर, बाय प्रेजेंटिंग टू ईच अदर. सो इट्स अ स्मॉल जर्नी आई वुड लाइक टू टेक. फ्लाइट में अब चढ़ना अच्छा लगता है? किन लोगों को फ्लाइट अच्छा लगता है? यू लाइक टू फ्लाई? या एवरी मंथ वी लव. तो एक स्मॉल ट्रिप विल टेक इट 15 to 20 मिनट्स. आई वांट टू शो यू द सीन, एक नजारा दिखाना चाहती हूँ जो हम बदल सकते हैं एंड इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक्स टू डॉक्टर सनी पिंटे सर, ही इज अ ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन एंड ही इज बीन अ ग्रेट मैन फॉर एंटायर इंडिया, हेल्पिंग द मदरहुड एंड द चाइल्डहुड. बिकॉज अगर एक माँ, एक औरत, एक महिला, एक वुमन फ्रॉम अ हाउस गेट्स डिस्टर्ब, एंटायर फैमिली गेट्स डिस्टर्ब, तो उनके लिए ये एक बहुत देवदूत की तरह से काम कर रहे हैं, हेल्पिंग हर गेटिंग आउट ऑफ हर सिचुएशन एंड गेटिंग हर लाइफ एंड द फैमिली सेटल. तो ये स्मॉल जर्नी है कि ब्रेस्ट कैंसर का निदान आपको हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरी में बाद में है, बट एटलीस्ट कॉशियस स्क्रीनिंग और आपका खुद का अवेयरनेस, लाइक यू नो कि उसके बारे में जानकारी है, तो इट इज बेटर. अर्ली डिटेक्शन कैन सेव मेनी लाइव्स एंड द मेनी फैमिलीज. इट इज अ टुगेदरनेस. एक कहावत है, यूएस में वन बैंकर वॉज देयर एंड ही यूज्ड टू वॉच, ही वॉज अ वेरी यंग बॉय लाइक 25-26, तो हर एक की वो है ना बैंक अकाउंट देखता था. ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव, तो वो 25-26 की उम्र में सबकी बैंक अकाउंट देखता था किसी के बैंक अकाउंट बहुत बढ़ रहे हैं, वेरी रैपिडली इंक्रीजिंग, और मेरा सैलरी तो इतना है, तो वहां मैं पहुंचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ एज अ वर्किंग एज अ बैंकर? आई वोंट बी एबल टू रीच दैट ह्यूज अमाउंट. तो उस बंदे ने उनकी लाइफस्टाइल चेक करना शुरू कर दिया, दोज हूज बैंक अकाउंट आर गेटिंग रैपिडली राइजिंग. तो उसको समझ में आया ये अकेले नहीं काम कर रहे, द वर्किंग एज अ टीम, द टूगेदर, द मीटिंग मेनी मेनी पर्सन, और वहां पे एक अच्छे से क्राउड से वो जुड़ के काम कर रहे. ही डिड वन थिंग दैट ही ऑल्सो स्टार्टेड मीटिंग पीपल, गेटिंग क्राउड अवेयरनेस करने को शुरू कर दिया एंड उसने वो रैपिड अपना अकाउंट बढ़ाने को शुरू किया. बट देन स्टिल ही रियलाइज आई कैनॉट बी द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, अभी कुछ बाकी है. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, उसने क्या किया होगा? इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ यूर्स. उसने क्या किया होगा कि उसके अकाउंट को रैपिडली, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स द प्रोग्रेस, एवरी वन यू कैन हेल्प द अदर्स बाई योर ओन प्रैक्टिस, तो उसको वो प्रोग्रेस चाहिए था, रैपिड प्रोग्रेस चाहिए था, उसने क्या किया होगा? एनी वन? उसने एक आईलैंड खरीदी और उस आईलैंड पे ही यूज टू हैव फ्राइडे सैटरडे संडे सेशंस वेयर ही यूज टू गेट पीपल 10, 20, 30 and 80 के उम्र के, ऑल एवरीवन यूज टू कम टूगेदर, दे यूज टू हैव चैट, दे यूज टू हैव एक दूसरे के साथ पार्टी करते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे, एंड देन ही अंडरस्टूड द आइडिया एक्सचेंजेस आर सो फाइन. एक दूसरे को मिलके वो इतना रेज किया कि इट वॉज अनबिलीवेबल. फिर उसने और एक मूवमेंट किया, वो क्या होगा? ही बॉट अनदर आइलैंड बट दैट वॉज अ रेड कार्पेट आइलैंड. वहां पे सिर्फ प्रोफेशनल्स, बिजनेस पीपल एंड ओनली द पर्सन हु हैज दैट इंस्पायर, दैट यू नो द फायर इन देम, ही यूज्ड टू कॉल देम देयर फॉर सैटरडे एंड संडे. By just communication, he became a richest man of the world. आपके लिए होमवर्क होगा कि यूएस में ऐसा कौन बंदा है जो बैंकर था, स्मॉल दैट 25-26 ईयर बॉय यूज टू जस्ट वॉच द अकाउंट राइजिंग एंड नाउ ही इज अ रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. ही हैज रीच एट दिस एज ऑफ 53. सो यू कैन चेक इट आउट ऑन योर गूगल सर्च कि ये बंदे का नाम क्या है एंड यू कैन चेक द एंटायर हिस्ट्री.
बाई जस्ट टू आईलैंड्स अ प्लेटफॉर्म. हम गांव में जाते हैं तो वो चौराहे पे बैठते हैं या एवरीवन मस्ट बी हैविंग द मेटिंग प्लेस. तो वैसे ही द कम्युनिकेशन की अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टुगेदरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस अलर्टनेस वी कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड व्हेन वी कम्युनिकेट ये जो रिस्क फैक्टर है तो एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है. अर्ली बैकिंग है, मेनोपॉज है, डिप्रेशन है, ओबेसिटी, आर्थराइटिस है, जो भी आपके लाइफस्टाइल की वजह से जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, यू नीड टू बी अलर्ट, यू नीड टू स्पीक टू ईच अदर. आपके फैमिली से बात करो, आप मेडिकल जो हेल्प से उससे बात करना बहुत जरूरी है. इफ यू सी द सीन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर एंड द सर्विकल, द मुंबई सीन इज वेरी वेरी बैड, जस्ट गोइंग ऑन इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. द सर्विकल कैंसर इज गेटिंग डाउन बट इफ यू सी द ब्रेस्ट कैंसर इज गोइंग अप, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हैप्पी हार्मोन्स. सबको हार्मोन्स मालूम है या? तो उसमें हैप्पी हार्मोन्स क्या होता है तो वो भी देखेंगे. इट इज नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. हमारे पूर्वज एंशियंस दे यूज टू हैंडल इट वेरी वेल. इज द ओनली वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. वी आर अवेयर ऑफ द ओनली एआई एमएल एंड डेटा साइंस, नथिंग एल्स. सो वी नीड टू रियली एक्सपैंड ऑन दैट टू चेंज दिस मुंबई सिचुएशन विच इज गेटिंग वर्स डे बाय डे एंड वी नीड टू गेट दैट इन कंट्रोल. It's a very small, I would say, Nari Sukhaye, Kutumba Sukhaye. Everyone believes that the backbone, the mitochondria of your family, your house is the main thing. Aap kahan se aaye? The origin is that. Jo bhi aap hormone laye ho, jo bhi aap laye ho, it's just the beginning of that. Ye aapka ugam hai which needs to be happy. So it's a small journey, we'll take off. सभी गांठें खराब नहीं होती. पहले भी गांठें आती थी, पिघल जाती थी, बट द लाइफ स्टाइल ऑफ आर्स, व्हाट वी यूज टू ईट, व्हाट यूज टू थिंक, हाउ यूज टू बिहेव, हाउ यूज टू वर्क, आचार विचार, वो सब पॉजिटिव स्पिरिचुअल इज टू हेल्प आस. सो डोंट गेट पैनिक व्हेन यू गेट द नॉट, बट डोंट इग्नोर ऑल्सो बिकॉज इट मे बी अ कैंसरियस थिंग. इफ यू सी द ग्लोबल सीन, in USA 8 out of 1 and in UK 12 out of 1, but if you see India to yahan pe humne sirf aapko ye jo ratio hai rural aur urban ka dikhaya hai. Why tribal is not given here? Because they do have a unke paas resources bahut limited hai, but they are using it finely. They do not have the disturbance of these problems. But if you see the urban areas like Mumbai, Calcutta and Chennai, the ratio is very high and we need to change that ratio. Abhi shayad aapko ye alag raha hoga. If you remember, pehle diabetes, BP aur cancer itna sunai nahi deta tha. Lekin today is a situation, yeah, we get to hear that. It is again a lifestyle जो हमने बहुत खो ली है. We need to update and upgrade our lifestyle. We need to change again back to the nature. जो आयुर्वेदा है, जो ancient है, जो पहले काम करता था, we really need to get back to that. If you see this, हमने जो कहा था कि 250 से सबसे नॉमिनल कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर एंड द डेथ्स एंड द एक्चुअल अफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर. द 2025 इज अ ग्रेट अलार्म फॉर अस. 2030 भी नहीं, 25 तक हमारा जो आज का सीन है मुंबई का वो शायद 45% तक बढ़ सकता है. इट्स अ अलार्म, अ ग्रेट अलार्म फॉर अस. It is again a teamwork. We need to have the power of information and power of technology. एक दूसरे से बात करना, inform करना और platform उपलब्ध कर देना very important. This is a small anatomy जो हम जानते हैं फिर भी उसमें से क्या कर सकते हैं.
क्राउन, ये कॉमेट है। आप ये ध्यान में रखो, मेनी लेडीज जेंट्स कम बैक से हम तो स्क्रीनिंग करते हैं, ब्रेस्ट इज नॉट राउंड एंड ब्रेस्ट इज नॉट ओनली फॉर द लेडीज, फीमेल के लिए नहीं, मेल के भी लिए, वो धूमकेतु है, आपके आर्मपिट्स तक है एंड द मोस्ट डेंजरस इज योर आर्मपिट बोन, द मोस्ट डेंजरस, सो यू नीड टू बी केयरफुल। ये आपके घर में अवेयरनेस के हिसाब से आपको बात करनी चाहिए, इट इज नॉट अ राउंड शेप, इट इज अ कॉमेट, एक धूमकेतु के हिसाब से। एंड प्लीज सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर जेंट्स को भी होता है, कितने लोग हैं जिनको पता है ब्रेस्ट कैंसर जेंट्स को भी होता है, डब्ल्यू 3, 4, 5 ऑफ या द रेशियो मे इंक्रीज बिकॉज जो डिस्टर्बेंस हार्मोन्स के मां से बच्चे तक जाएगा, सो इट मे गेट डिस्टर्ब, सो वी नीड टू रियली कॉशियस अबाउट द पोजिशन। और यहां पे फीमेल का बचना द चांसेस आर बेटर बिकॉज वो मसल भाग है, लेकिन अगर आदमी को हुआ, अगर बच्चे को हुआ, बिकॉज वी रियली रिसेंटली गॉट वन 23 ईयर बॉय विद द ब्रेस्ट कैंसर, उसका ब्रेस्ट एम्प्यूट करना पड़ा, इट इज नॉट इजी। अगर आदमी का ब्रेस्ट एम्प्यूट किया तो इट इज कनेक्टेड विद द लंग्स डायरेक्टली एंड आर अलार्म इज देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द चांसेस ऑफ गेटिंग लंग, एक आपको गार्ड आने के जो चांसेस है दैट इज इन आर्मपिट, अगर आर्मपिट में आता है तो पूरे बॉडी में वो फैलने के चांसेस फास्ट है, द सर्वाइवल रेट इज बेटर कि अगर वो आर्मपिट में नहीं है। मेनी ऑफ द टाइम इट हैपेंस वी डोंट चेक द आर्मपिट, ब्रेस्ट तो राउंड है सबको लगता है, वो कॉमेट एक धूमकेतु है ये किसी को पता नहीं होता है, सो द चांसेस आर 50% इन योर। इसलिए आई हूँ कि लोगों को एक मिथ है कि कैंसर मुझे नहीं हो सकता, जिंदगी अपने आप में एक भ्रम है, हम भ्रम में जीते हैं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, वो मेरे साथ नहीं हो सकता, आपको पता नहीं कल आपके साथ क्या हो सकता है, तो भ्रम से बाहर निकलना हमारा काम है, और जब हमारे पास ऐसा मौका आता है तो वो मौका खोना नहीं चाहिए। मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मेरी स्टोरी 1.5 साल की जो मेरी जर्नी थी कैंसर की 10 से 15 मिनट में समेट लूंगी। 2019 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मेरी बच्ची तब 1 साल पूरा करने पे थी, उसका 11वां महीना चल रहा था, 12वें महीने का बर्थडे उसका नवंबर में आने वाला था एंड दिवाली का समय था, सब उसी माहौल में थे। Somehow एक आदत थी सेल्फ स्क्रीनिंग की, क्योंकि जैसे हमने अब सुना कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है बीमारी, तो मेरी माँ को कैंसर था थ्रोट का एंड कहीं वो मेरे दिमाग में चलता था कि ये चीज मेरे में ना आए, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी लेट प्रेगनेंसी थी, सो वो चीज को चलते मैं स्क्रीनिंग करती रहती थी एंड somehow एक लंप मुझे पता चला राइट ब्रेस्ट की तरफ, और इतना छोटा दाना था, मुझे लगा ठीक है ऐसे ही होगा ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली आफ्टर अ वीक वो चने जैसा दाना शेंग दाना बन गया, यू कैन से इट वॉज जस्ट अ बिग, पेन नहीं था। कैंसर का सबसे बड़ा मजा यही है कि पहले वो पेन बिल्कुल नहीं देती और बाद में पूरे मजे करवाती है, मतलब कहीं आपको कसर नहीं छोड़ेगी कि आपके मुंह से कोई आवाज ना निकले, पूरे आवाज निकलवाती है। सो वो नॉट पता चली एंड स्क्रीनिंग कराया, स्कैनिंग हुई, सब हुआ, उसमें पता चला कि कैंसर है। बायोप्सी कराई गई, बायोप्सी कितने जनों को पता है हम में से, बायोप्सी कैसे की जाती है, एक उस ट्यूमर में 17 बार इतनी मोटी नीडल प्रिक की जाती है टू टेक आउट द फ्लैश, टेक आउट द ब्लड, टेक आउट द वॉटर कि वो कैंसरियस है कि नहीं। तो उस वक्त ऐसा लगता है कि कल मरना इससे अच्छा आज ही मर जाए, क्योंकि दर्द शुरू हो जाता है। बायस भी होने के बाद पता चला कि रिपोर्ट 2 दिन के बाद हम देंगे, दो इट वॉज अ 3rd स्टेज का कैंसर और कहीं रिस्पेक्टर्स थे, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट जल्दी डॉक्टर्स के साथ शेयर कर दी और मेरी फैमिली के साथ शेयर की, मुझे पता नहीं था।
और जैसे हम पिक्चरों में भी देखते हैं या हर घर में होता है कि परिवार में पता चला तो सामने हम बताने को डरते हैं कि कैसे बोले कि तू 15 दिन में मरेगा या 1 महीने में मरेगा। मरेगा तो सही क्योंकि कैंसर, ये कैंसर हमने अपने दिमाग में पाला है, कैंसर हमारे दिमाग में है, हमारे शरीर में नहीं। कैंसर हमको दिमाग से खत्म करता है। आप कोई भी चीज दिमाग से सोच लो कि मुझे ये करनी है, आप कर लोगे। आपने एक बार दिमाग को ऑर्डर दे दिया कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं करोगे, तो कैंसर वहीं से खोखला करती है। फैमिली में बताने को डर रहे थे, नहीं बताया मुझे, मैंने समहाउ रिपोर्ट्स जान के डॉक्टर के साथ कनेक्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि आपके हस्बैंड आने वाले थे बात करने, मैंने बोला वो बैंगलोर से ले गए, नहीं है यहाँ पे, ट्रीटमेंट मेरी करोगे, आपको बात मुझसे करनी है, क्या है आप आगे बताएं। तो ही सेड आपको ब्रेस्ट कैंसर है, आपका ब्रेस्ट एम्प्यूट होगा, मतलब कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे सामने मेरा परिवार है, आप कर दो मेरा ब्रेस्ट एम्प्यूट। ब्रेस्ट एम्प्यूट करना आसान है, एक चप्पल के बिना कोई चल सकता है, एक चप्पल और एक चप्पल हो, गाड़ी भी टायर सारे बराबर चाहिए रहते हैं। सो ऐसे ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देन वो डॉक्टर ने कहा, मैडम ये ट्रीटमेंट आपके लिए ग्राइंडर होने वाला है। बोला फाइन, नो प्रॉब्लम। ग्राइंडर में मैं आज तक घर में चटनी बनाती थी, सैंडविच पे लगा के खाती थी और एंजॉय करती थी, आज मेरी चटनी बनेगी और आप एंजॉय करोगे, आई एम हैप्पी विद इट। सो ही कॉल्ड टू माई डॉक्टर जिन्होंने मुझे उनके पास भेजा था, बोले पेशेंट के दिमाग पे असर हो गया, ये मेरे दिमाग पे असर नहीं हुआ था, ये मेरी जीने की जिद थी कि कैंसर मुझे नहीं मार सकता। और ये हम हर जगह बात करने इसलिए जाते हैं क्योंकि काफी लोग दिमाग से कमजोर पड़ जाते हैं और वो अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। सो समहाउ मैंने सेकेंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर संदीप बिप्टा सर से कनेक्ट किया, एंड ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने रिपोर्ट देख के कहा डोंट वरी यू विल बी फाइन। तो जहां मैं ग्राइंडर में जाने वाली थी वहां पे अगर मैं फाइन सुनूंगी तो कितना पॉजिटिविटी आता है। सो यह वी नीड सेकेंड ओपिनियन फॉर एवरीथिंग। अगर आप कोई भी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी को ऐसे सलाह देनी भी हो तो आप सेकेंड ओपिनियन ऑलवेज लें ये चीजों को लेके। देन डॉक्टर संदीप बिप्टा सर ने सर्जरी के लिए कहा, एंड आई आस्क्ड हिम सर्जरी करके मुझे कितना दिन रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में, क्योंकि छोटा बच्चा है मेरा, कितना दिन रुकना चाहिए। हम नॉर्मल सर्जरी में कितना रुकते हैं हॉस्पिटल में? 4-5 days। एंड हाउ अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर में कितना दिन होना चाहिए? हफ्ता 10 दिन। मैं एग्जैक्टली 23rd आवर अपने घर गई, अपने बच्चों के साथ मैंने डिनर किया, एंड मेरे 4 ट्यूमर निकले थे जिसमें से एग्जैक्टली एक जो लिम्फ नोड का, जैसे मैम ने बताया था कि लिम्फ नोड का अगर आपका ट्यूमर कैंसरियस है तो आपके चांसेस बचने के नहीं है। तो अगर मेरा लिम्फ नोड अगर पॉजिटिव हुआ होता तो सवाल ही नहीं कि मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रही होती, फोटो पे हार चढ़ा होता, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो चीजों को इतना पॉजिटिवली लिया कि ये मेरे लिए एक इंडिकेशन है ऊपर वाले का, 3 कैंसर है और एक एग्जैक्टली जहां से तुम मर सकते हो अगर मैंने वो तुमको छोड़ा है, तो देयर इज अ मैसेज दैट यू हैव टू सर्व टू द सोसाइटी विद दिस अवेयरनेस। और सब नहीं बात कर सकते, और आज सब मतलब ऐसा है ना कि फ्री का ज्ञान शायद किसी को पसंद ना आता। सत्संग में भी हम जाते हैं तो सत्संग का पैसा देते हैं बकायदा, गुरु के चरणों में भेंट रखते हैं, तो फ्री की तो कोई चीज किसी को हजम ही नहीं होती वैसे भी। तो वो चीजें आज इतनी लाइटर नोट पे ली जाती हैं लोगों के बीच में। हम ठीक है, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि पूरा हॉल भरा होगा तो हमारे लिए अवेयरनेस है, हमारे लिए जितने आप बैठे हैं ना, आप में से चीजें मल्टीपल होना शुरू होगी, हम वहीं पे जीते। आज एक जन ने सुन के दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। नो डाउट कोई किसी की कहानी में इंटरेस्ट नहीं रखता, हर एक को अपनी कहानी ज्यादा प्यारी रहती है, लेकिन जो मौत छू के आता है ना, अगर वो कुछ बताना चाहता है कि आप उस रास्ते मत जाइएगा, वहां खड्डा है या खाई है,
तो वो हमारा काम बनता है कि सुने और समझे। मेरा सर्जरी होने के बाद में एग्जैक्टली 10 दिन के बाद मेरे कीमो हुए। कीमो होते ही जैसे शिखाने में बताया कि वो माइंड में टैबू रहता है, हेयर फॉल, हेयर लॉस। सेम मेरे घर में मेरे बेटे को था कि भाई मेरी मम्मी के बाल जाएंगे तो कैसे लगेगी या मेरी मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी। तो जब मेरा पहला इंस्टॉलमेंट मैंने दिया, मैं इंस्टॉलमेंट बोलती हूँ, मैंने मेरी इंस्टॉलमेंट दिए बालों की, जब मेरा कीमो के बाद एग्जैक्टली 10 दिन के बाद हेयरफॉल हुआ, मेरा पहला इंस्टॉलमेंट मैंने क्रिसमस से 2 दिन पहले लिया। एंड एक साइड पूरा बंच मेरे हाथ में बालों का। एंड देन व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है? वो बच्चे वो बालों को रैप अप कर दिया। एंड नेक्स्ट डे अगेन द सेम स्टोरी, इट्स बेटर टू क्लियर। मैंने बेटे को कहा सैलून वाले को बुला के क्लियर कर देते हैं। सो वी डिड, सैलून वाले को बुलाया हमने बाल निकालने के लिए। एंड उसने कि मेरी माँ को अजीब ना फील हो, वो उसके पापा और मेरे फ्रेंड्स वो सब बैठे बाल देने के लिए। और बिना बालों के भी मैं बहुत अच्छी लगती थी, इनफैक्ट अभी जैसी लगती उससे ज्यादा अच्छी लगती थी बिना बालों के। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज हो, आप अपने आप को डिप्रेस ना करें। मैं ज्यादा किसी का टाइम ना लूंगी, और किसी को भी किसी तरह का कुछ भी जानना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया। मेरी कैंसर की जर्नी चलती रहेगी, कैंसर के साथ नहीं, उसके साथ लड़ने में। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीएमके फाउंडेशन के फाउंडर नैना मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी कि जिनकी वजह से मैं आप लोगों के सामने अपना जो भी है प्रॉब्लम, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपके सामने बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट से छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जो कि शायद मैं कभी मतलब नोएडा दिल्ली तक नहीं गई, और इस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद मैं मुंबई तक अपनी छोटी सिस्टर को लेकर अकेले आ गई। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद मैंने बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। एक तो सबसे पहले ये कि मुझे प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, आपदा में अवसर खोजना है। तो इसीलिए मैंने एक भी दिन खुद से ये फील नहीं किया कि मुझे कैंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर क्या करता है? कैंसर का नाम होते सुनते ही इंसान को अपने सामने मौत दिख जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ अब तो लाइफ गई। तो इसको भी मैंने अपनी एक अपॉर्चुनिटीज माना, इसलिए कि शायद लाइफ कम होगी तो मुझे अच्छे से जीना है। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद मैंने जीना सीखा, खुश रहना सीखा। 2017 में मैंने अपने पापा को खोया था। मैं बहुत निगेटिव थी, और शायद इस निगेटिविटी की वजह से ही और मेरे ऊपर बहुत सारी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, तो इसकी वजह से मैंने खुद पे ध्यान नहीं दे पाया, और मुझे एक इचिंग की प्रॉब्लम से, स्किन काफी टाइम से स्किन प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले ये भी है कि अब कोई भी प्रॉब्लम छोटी नहीं होती है, अगर कुछ भी है तो आपको उसको सीरियस लेना है, उसके लिए अवेयर रहना है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने से हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल जो है, इंटरनल चेंजेस जो होते हैं, उन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। निगेटिविटी से टॉक्सिसिटी बढ़ती है, जो कि कैंसर की सेल्स को बढ़ाती है। तो इसीलिए पॉजिटिव रहना है। और संघर्ष, इंसान की लाइफ में संघर्ष आता है ना, तभी वो उसको अपने अंदर की ताकत का पता चलता है कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मैं जब हॉस्पिटल में गई थी लखनऊ में, तो मुझे लग रहा था कि मैं सेकेंड टाइम जाऊंगी तो शायद हॉस्पिटल के रास्ता अंदर भूल जाऊंगी, इतने बड़े हॉस्पिटल थे वहां पे। और उसके बाद मैं मुंबई तक आ गई, तो ये भी मैंने सीखा कि लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो।
मान लू तो हार है, ठान लू तो जीत है। और कैंसर में मैंने पेशेंट एक दिन भी फील नहीं किया, मैंने अपना अब तक का जर्नी अकेले फेस किया है। मेरी छोटी सिस्टर जो कि मुझसे 7-8 साल छोटी है वो मेरे साथ में है, तो पेशेंस सीखा है मैंने इस प्रॉब्लम के चलते हुए। और जैसे कि अगर हमारा देश गुलाम नहीं होता तो शायद हमारे आगे महात्मा गांधी नहीं आते। अगर ये संसार दुखों से पीड़ित ना होता तो बुद्ध नहीं आते हमारे सामने। और अगर धर्म के नाम पर अन्याय नहीं होता तो ईसा मसीह नहीं होते। इसी तरीके से भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके सबके भी जीवन में बहुत संघर्ष रहा है, वो तो भगवान थे। अगर किसी की लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है तो मुझे लगता है कि उस, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा कोई इतिहास होगा, लेकिन इन सब चीजों से मैं खुद को पॉजिटिव रखती हूँ। तो अगर ये प्रॉब्लम्स भगवान भी फेस ना करते, उनकी भी लाइफ स्मूथली चलती, तो क्या वो भगवान होते हैं? नहीं होते। तो इन सब चीजों से ही मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और आगे बढ़ती हूँ कि हाँ, शायद ईश्वर ने मुझे इस प्रॉब्लम में डाला है, तो हो सकता है कि मुझे कुछ अलग ट्रैक पे ले जाना चाहते हो। और मैं विपदा में अवसर ये भी मानूंगी कि मुंबई जैसे शहर में आके आप लोगों के सामने मैं बोल रही हूँ, तो ये भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ही है। और तो यही मैंने सीखा है कि जीवन में संघर्ष है तभी लाइफ आगे बढ़ सकती है। स्मूथली लाइफ चलने से कुछ भी नहीं होता, जो आराम भरी जिंदगी जीते हैं वो कहीं उनका कोई इतिहास नहीं होता है। लास्ट में मैं एक पोएम कहना चाहूंगी, मोटिवेशनल, जो कि मैंने आज सुबह ही लिखी है, थोड़ा सा लिखने का भी शौक है। इसका टाइटल मैंने दिया है हौसला। हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं तोड़नी है, विश्वास अधिक है कि जिंदगी फिर मुस्कुराएगी, एक अंधेरी रात के बाद रोशनी फिर जगमगाएगी। बेवक्त आंधियों से कश्ती थोड़ी डगमगाई है, टूटना नहीं है मुश्किलों से, रहना है निर्भीक निडर, जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। विचलित नहीं होना हालातों से, रखना है धैर्य हर मुश्किल में। कभी नहीं होता ऐसा रात के बाद भोर ना हो, रात का अंधेरा घटते ही उगता सूरज निकलेगा, रोशनी से जिसकी जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। वक्त एक सा रहता कहाँ, वक्त एक सा रहता कहाँ, दुख सुख तो जीवन का संगम है, दुख के दौर मिटते ही सुख की कहानी लिख जाएगी। रखना है विश्वास यही, जिंदगी फिर मुस्कुराएगी, जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। मैंने अपना ट्रीटमेंट का जो भी टाइम था बहुत हंसते हंसते निकाल दिया। हालांकि जब सुना था स्टार्टिंग में तो बहुत निगेटिविटी थी, बट मुझे उसको फेस करना था पॉजिटिविटी, क्योंकि निगेटिव रहने से या परेशान होने से कोई भी मुश्किल खत्म नहीं हो सकती है, तो अच्छा है कि उसको पॉजिटिवली लो। तो मेरी सर्जरी हुई, सब कुछ, उसमें भी मैं बहुत पॉजिटिव थी। और नैना मैम ने मुझे इंस्पायर अवार्ड भी दिया था अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि उस टाइम में मैम के प्रोग्राम में नहीं जा पाई थी, मेरी सर्जरी हुई थी। बट अभी तो सर्जरी में इतना नहीं लगा, बट किसी भी लड़की के लिए मेन ब्यूटी होते हैं उसके बाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कभी हम कहीं जाते हैं तो अरे हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बालों में तेल लगाया तो हम नहीं जा सकते, मतलब ये फीलिंग रहती है। लेकिन तो बालों का खोना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, वो मेरे लिए चैलेंजिंग फेस था। बट उसमें भी मैंने ये फील किया कि जो आपकी रियल ब्यूटी है वो आपके अंदर है, वो आपके सोल में है। रियल ब्यूटी वही होती है जो परमानेंट है, जिसको कभी खोया नहीं जा सकता है। ये एक्सटर्नल है, ये टेम्पररी है, तो ये रियल ब्यूटी नहीं हो सकती है। व्यक्ति के पर्सनालिटी और उसके एटीट्यूड, उसके पॉजिटिव थिंकिंग, यही रियल ब्यूटी है। ये भी मैंने अपने आप से बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो बस यही कहना चाहूंगी इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।